Evening everyone, welcome to my channel. Yes guys, thank you so very much for giving me so much of your love on my last video. I loved all your comments. And yes, now we just came to the hypermarket because ye to sabhi ko bhi pata hai ki hypermarket aaye bagair aapka week nahi guzar sakta, especially when you live in abroad. Aur main aayi hu ji abhi ghar ka kuch zaruri samaan tha वो लेने आई हूँ. अभी सबसे पहले आई एम पिकिंग अप द चिकन, और चिकन लूँगी. इसके अलावा और भी ज़रूरी सामान है जो कि आप लोग साथ साथ देख लेंगे. और बस मैं जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करूँगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12:30 और मार्केट भी बंद होने वाली है. तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जल्दी जल्दी सारा सामान ले लें. और एज़ यू कैन सी कि मार्केट बिल्कुल खाली है, कुछ ही लोग हैं मेरी तरह के जिनके हस्बैंड काम से थोड़ा लेट आते हैं, एंड देन दे केम लेट टू द हाइपरमार्केट. और बस मैं जल्दी जल्दी सामान लूँगी और फिर बाद में आपसे बात करती हूँ. And yes, as you can see guys, the flowers look so beautiful man, but ये flowers इतने ज़्यादा fresh नहीं थे. पहले मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत करीब से देखा तो they were not fresh. और फ़ायदा नहीं था लेके जाने का. फिर एक दो दिन बाद इन्होंने वैसे ही मुरझा जाना था, तो मैंने छोड़ दिया. और बस अभी मुझे अनियन लेने हैं थोड़े से, और थोड़ी सी वेजिटेबल उठानी है. और दिस इज़ हाउ माई ट्रॉली लुक्स लाइक. और जी अभी क्योंकि देर से आए हम लोग, तो सिर्फ 3 ही काउंटर खुले हैं बिलिंग के लिए, और हम लोग क्यू में लग चुके हैं.
और अभी मेरे हस्बैंड अपनी जॉब कर रहे हैं, वो सारा सामान रखेंगे, काउंटर पे बिलिंग करवाएंगे एंड देन वी विल गो बैक टू आवर डेन। एंड बस यही सामान चाहिए था, इतना ज़्यादा तो नहीं था लेकिन बहुत ज़रूरी था ये भी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है चीज़ें ख़रीदने का। अभी काफ़ी टाइम हो गया हमें इकट्ठे ग्रॉसरी करते हुए, बट स्टिल उनको नहीं कुछ चीज़ों का पता चलता, और मुझे अब काफ़ी अच्छे से पता चल गया। और बस अभी हम जल्दी जल्दी ग्रॉसरी ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर डेन एंड आई विल सी यू एट होम गाइस। एंड येस नाउ इट्स इफ्तार टाइम, और आज मैं जो इफ्तार में बनाने जा रही हूँ दैट इज़ मंदी, चिकन मंदी विद राइस। और जो लोग गल्फ़ में रहते हैं दे नो वेरी वेल कि मंदी यहाँ की कितनी स्पेशल डिश है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो मैं ले रही हूँ वो है, मैंने चिकन ली है एक, और उसमें से मैंने थोड़े से पीसेस निकाल दिए थे जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने लिए, सॉल्ट लिया है, चीनी ली है, गार्लिक पाउडर लिया है मैंने, पानी लिया है हाफ जग और विनीगर लिया है और टूथपिक ली है मैंने अभी, और इसे मैं चिकन को अच्छे से पॉक कर लूँगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू विद वेरी लाइट हैंडेड यू हैव टू पॉक द चिकन सो दैट ये जो अभी हम सॉल्यूशन बनाएंगे विनीगर और सॉल्ट शुगर और गार्लिक पाउडर का, ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। और इसलिए मैं बहुत अच्छे से मैं चिकन को पोक कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना लेकिन इतना अच्छा सा करना है कि चिकन जो है आपकी पानी में जब डिप हो तो चिकन इस सॉल्यूशन को अपने अंदर सोक कर ले। और अभी मैंने हाफ जग पानी लिया है, इसको मैं इस बॉल में डालूँगी और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सॉल्ट, शुगर एंड गार्लिक पाउडर, वो मैंने हाफ हाफ टेबल स्पून लिया है सब कुछ। और जो विनेगर है वो मैं लूँगी अराउंड 2-3 टेबल स्पून। और यस मैं ये जो स्पाइसेस और विनेगर जो ले रही हूँ वो मैं अपने चिकन के साइज़ के अकॉर्डिंगली ले रही हूँ। मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ इट वुड बी अराउंड 600-700 grams, तो आप ये देख लें कि 600 ग्राम चिकन के लिए यू नीड दी स्पाइसेस, और अगर आपकी चिकन ज़्यादा होगी तो आप इसकी रेशो को, स्पाइसेस की रेशोज़ को और विनेगर को इंक्रीज़ कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर चिकन साइज़। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसके बाद मैं चिकन को इसमें सोक कर दूँगी और इसको अराउंड 2 hours के लिए मैं रख दूँगी कवर कर कर। आपने इसको कोई क्लिंग फ्लिम से रैप नहीं करना, आपने बस कवर कर देना हल्का सा, लाइट सा, ज़्यादा इसको कवर भी नहीं करना लिड से, बस हल्का सा एक कवर कर दे इसको कि थोड़ी सी इसको बाहर से हवा भी आती रहे। और बस मैं इसको रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ कि मैंने बाद में क्या किया है। And now it's come to the marination of the chicken. अभी मेरी चिकन को अराउंड 2 hours हो चुके थे, सॉरी 2 hours नहीं हुए थे, अराउंड 1.5 hours हो गया था, और मुझे अभी इफ्तारी तैयार करनी थी तो मैंने चिकन निकाल ली। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप अपनी चिकन को सोक रहने दीजिएगा। और अब जी ये है मंदी मसाला, और इसके लिए मैंने देखें एक बॉल में लिया है ऑरेंज और येलो फूड कलर, और उसको मैंने मिक्स कर लिया है पानी में, और साथ में मैंने लिया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड आई टुक लिटल बिट ऑफ गरम मसाला, दिस इज़ ऑल यू नीड। और आपने ये सारे मसाले जो हैं इस ऑरेंज और रेड फूड कलर वाले पानी में आपने मिक्स कर लेना है, और इसमें अराउंड आपने 2 tablespoons ऑफ ऑयल डाल देना है, और फिर उसके बाद आपने अच्छे से चिकन को इससे मैरिनेट कर लेना है। और फिर इसको ज़रूरत तो नहीं है रखने की, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी मसाला लगा के चिकन को अराउंड 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। आई डोंट हैव टाइम सो मैं अभी डायरेक्ट इसको लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी। और जी इसको स्टीम करने के लिए मैंने क्या किया है, एक देचकी में पानी लिया है, और मेरी जो वो स्टीम करने के लिए जो एक जाली वाली जो एक प्लेट
होती है मेरी, वो मुझे मिल नहीं रही थी, आई डोंट नो वो कहाँ मिसप्लेस हो गई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने फॉइल लिया, एलुमिनियम फॉइल लिया, उसके अंदर मैंने सुराख किए छोटे छोटे से बिल्कुल टूथपिक से, उसको भी मैंने पॉक कर लिया, उसको मैंने अपनी देचकी के ऊपर अच्छे से रैप कर लिया उस क्लिंग उस एलुमिनियम शीट को, और उसके अंदर मैं रख दूँगी चिकन को। सही है, पानी नीचे से बॉयल हो रहा होगा मीडियम फ्लेम पर, और उसके ऊपर मैंने रख दूँगी चिकन, और अच्छे से आपने अगर आपके पास प्लेट है तो आप उस प्लेट पर रख लें, वेरी गुड। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ प्लेट और आप मेरी तरह बिना सोचे समझे मंदी बनाना शुरू हो गए, क्योंकि रात तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था, तो फिर मेरे माइंड में यही आइडिया आया कि व्हाई नॉट आई यूज़ दैट एलुमिनियम शीट। तो आप भी वो एलुमिनियम शीट यूज़ कर सकते हैं, और वह बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, वो आपकी देश की पानी में नहीं गिरेगी, सॉरी आपकी जो एल्युमिनियम शीट है वो पानी में नहीं गिरेगी। आपने उसको अच्छे से रख लेना, जैसे ये देख रहे हैं आप कि मैंने देचकी के ऊपर अच्छे से ढेर सारी एल्युमिनियम शीट रखी है, उसके अंदर पोक किया है, और उसके ऊपर चिकन को रख के मैं इसको स्टीम होने के लिए छोड़ दूँगी फॉर गुड 25 मिनट्स, और 25 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगी। मैं बनाऊंगी मंदी के राइस, इसमें जी कैरेट और किशमिश यूज़ होती है, और ब्राउन अनियन यूज़ होता है, जो कि आपने देखा होगा पहले मैंने उसको फ्राई करके अनियन को पेपर टॉवल पर रख दिया है ड्राई होने के लिए। तो अभी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कैरेट ली है, और मुझे और मेरे हस्बैंड को किशमिश बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हम इसमें बिल्कुल किशमिश नहीं डाल रहे, सिर्फ मैं इसमें यही अनियन डालूँगी ढेर सारा, और फिर इसके अंदर मैं पानी डालकर इसका अर्थ निकलने दूँगी, जिससे इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा राइस में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। अगर आपके पास सऊदी, जो लोग गल्फ़ में रहते हैं, दे कैन हैव दैट सऊदी मसाला, जो और मल्टीपर्पज़ मसाला होता है इनका, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यू कैन यूज़ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला ओनली फॉर द फ्लेवर, दैट्स इट। और जब भी मैंने इसको अच्छे से कैरेट को और अनियन को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने लिए हैं 2 ग्लास चावल, और मैं जो राइस यूज़ कर रही हूँ वो है बासमती चावल, तो बासमती चावल थोड़ा कम पानी लेते हैं, तो मैं उसमें अराउंड थ्री एंड क्वार्टर, हाँ 3 ग्लास लिए हैं, ऊपर से मैंने थोड़ा सा 1/4 ग्लास भी पानी का डाल दिया है, और इसी में चावल को हम अच्छे से पका लेंगे। और चिकन को स्टीम होते हुए अराउंड 25 मिनट्स हो चुके हैं, मैं चिकन को चेक करूंगी, और चिकन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, जैसी मुझे रिक्वायर्ड थी सेम वैसी ही है। और अभी मैं इसका फ्लेम कर दूंगी ऑफ स्टीम का, और अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है ओनली फॉर 2 मिनट्स, दैट्स इट, बिफोर कीपिंग इट इन द ऑन द राइस। उससे पहले मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और ये चावल के पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी राइस,
और राइस आपने वैसे ही भगाना है जैसे आप घर में ब्राउन राइस बनाते हैं, दैट तड़के वाले राइस इसको बोलते हैं, सिंपल प्लेन उसी तरह इसको बनाना है। कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, जो ऑथेंटिक मंदी की रेसिपी है उसमें वो ये करते हैं कि हाफ डन करते हैं स्टीम पे चिकन को, उसके बाद जब चावल पकाते हैं तो जैसे चावल का पानी थोड़ा सा ड्राई होता है तो वो चिकन को उसके ऊपर रख देते हैं उसी स्टेनर में जिस स्टेनर में उन्होंने चिकन को रखा होता है, और फिर जैसे जैसे चावल पकते हैं वैसे वैसे चिकन भी पकती है। तो मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे पास फॉइल था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मेरे राइस ख़राब हो जाएं, तो इसे मैंने चिकन को फुल डन कर लिया है। अब राइस को भी मैं जैसे नॉर्मल राइस पकाते हैं वैसे पका लूँगी, और फिर एंड पे चिकन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं उसी फॉइल को उठा के इन राइस के ऊपर रख दूँगी, और फिर मैं राइस को भी स्टीम पे रख दूँगी अराउंड 20 मिनट्स के लिए। तो बिफ़ोर कीपिंग इट ऑन द स्टीम हम इसमें मैं कोयले का धुआं दूंगी जिससे चिकन में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज़ हाउ आई मेक मंदी। ये एक बहुत करीब है ऑथेंटिक रेसिपी के, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसमें वेरिएशन की है। जैसे मेरे पास स्टेनर नहीं था, स्टीम स्टेनर नहीं था, तो आई यूज़ एल्युमिनियम फॉइल, और जो मसाला था उसमें भी मैंने थोड़ा सा सऊदी मसाला मिलता है, मेरे पास नहीं था तो मैंने देख के ऑनलाइन मैंने सारे स्पाइसेस को घर में ही इकट्ठा करके मैंने बना लिया मंदी मसाला, और जो कि बहुत इजी है। मैं मंदी मसाले की रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिनको चाहिए हो वो वहाँ से मंदी मसाला की जो रेसिपी है वो ले सकते हैं। और बस अभी ये चावल जैसे पानी सोख करेंगे उसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन को लेयर करूँगी शीट के अंदर ही, कोयले का धुआं दूंगी और उसको 20 मिनट्स के लिए दम पर छोड़ दूंगी, और जी ये हमारी मंदी तैयार हो जाएगी। साथ साथ मैं बना रही हूँ इफ्तारी भी, और इफ्तारी में मैंने बनाए हैं स्प्रिंग रोल बनाए हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स है, और मैंने आज टैंग बनाया है, दैट्स इट। और साथ में हम लोग खाएंगे खाना, और अभी मैं मिलती हूँ आपको इफ्तार की टेबल पे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और काम थोड़ा ज़्यादा है। तो आई विल सी यू लेटर गाइस। मैंने फ्राई कर ली है, राइस का पानी अच्छे से सोक हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन को रख दूँगी उसी फॉइल में जिस फॉइल में मैंने इसको स्टीम किया था, और उसी में इसका मसाला भी पड़ा हुआ है उसी में मैं चिकन को लेयर कर दूँगी। और मैंने अराउंड 2 to 3 tablespoons में मैंने चिकन को फ्राई किया है, वो सारा जो ऑयल है वो मैं इस चिकन के ऊपर डाल दूँगी, और जब जैसे ही चावल दम पे आएंगे तो ये सारा जो ऑयल है वो
स्टीम होके और सुराख में से ड्रेन हो जाएगा और राइस में चला जाएगा. तो यू डोंट नीड टू वेस्ट एनीथिंग गाइस. थोड़ा सा ऑयल है, हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे जिससे चिकन पे एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी. और बस मैंने चिकन को रखा है, अब मैं इसके ऊपर करूँगी ड्रिजल कर दूँगी ये सारा ऑयल. और बस ये है हमारी चिकन मंदी विद राइस, मंदी राइस. और इसको हम कर देंगे अब स्टीम पे. और बस जी ये था मेरी आज की रेसिपी. और उसके बाद मैं आपको इफ्तार मेरे टेबल पे दिखाऊंगी दैट हाउ डज इट लुक लाइक. माशाल्लाह चिकन लुक सो अमेजिंग. और जिसके राइस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं, और चिकन भी बहुत अच्छी लग रही है. आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है. मैं इसकी प्लेटिंग करने लगी हूँ. और डिफरेंट डिफरेंट कुजींस ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी. थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए हमेशा. और ये रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. थोड़ी सी इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये इट टेस्ट हेवनली डिलीशियस गाइस. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड यस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. और आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया. फाइनली आई एम गोइंग टू हिट 1K. और उसके लिए I am so thankful to everybody. और जी ये सब आपकी वजह से है. मेहनत मेरी थी लेकिन साथ आपका था. और जी मैं बहुत खुश हूँ. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.